हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रीति और यूजीसी नेट पेपर वन फैकल्टी। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। तो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ आपके कौन से 40 के नियर अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर वन के, जो आप लोगों को करने ही करने हैं। और अगर आप एटलीस्ट इनको कवर करके जाते हैं तो बहुत अच्छा खासा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम पेपर वन ऑल्सो, जो कि आपके जेआरएफ की जर्नी में अलग से ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी को पता है 13 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो ऑलमोस्ट आपके पास मुश्किल से 30 डेज है, जिसमें एक आध दिन हमारा वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो 30 डेज भी आपके पास कंप्लीटली नहीं है, आप ये मान के चलिए अपने टारगेट को। तो इस तरीके से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कवर करने जरूरी है, उससे रिलेटेड PYQs, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था, आपके पास 10 यूनिट्स है, तो हम मान के चलते थे फ्रॉम एवरी यूनिट वी हैव 5-5 क्वेश्चंस। ठीक है, हमारा यही एनालिसिस था और यही आपके सिलेबस के अंदर मेंशन होता था। बट पिछले 2 से 3 सालों की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये वाला चीज अब आउट हो चुका है। कहने का मतलब, एक यूनिट से हो सकता है वो 6-7 क्वेश्चन का वेटेज रख दे, सेकेंड यूनिट से हो सकता है वो आपसे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछे या टच भी ना करे उस यूनिट को। तो सिर्फ हम 2 यूनिट्स के अंदर श्योरिटी रखते हैं कि आपका RC के अंदर भी 5 क्वेश्चन आएगा और आपका DI के अंदर भी 5 क्वेश्चन आएगा, और प्लस मैथ और रीजनिंग के अंदर 5 क्वेश्चन। बाकी रिमेनिंग पोर्शन वो किसको वेटेज देता है वो डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर और किस तरीके का पेपर का लेवल उसको सेट करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग काइंडली नोट माई सेशन टाइमिंग, 3 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास है ऐप के ऊपर। तो अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मेक श्योर यू डाउनलोड इट। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। और हाँ, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ बैक टू बैक मैराथन्स है, PYQs है, वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इन द PDF फॉर्म। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन से। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा यूनिट है और ये लगा लीजिए थोड़ा स्कोरिंग यूनिट भी है। दो तरीके के क्वेश्चन है इसके अंदर बनते हैं, वन जहां पर आप लोगों का फिक्स चीजें याद रखनी होती है, और दूसरा आपका खुद का एनालिटिकल स्किल के बिहाफ पे यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं। तो इसके अंदर जो मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक आपके, ये लगा लीजिए 4 मेन मेन टॉपिक है। हालांकि देखो, छोटे छोटे टॉपिक्स और भी बनते हैं, बट मैंने उन दी बेस्ट ऑप्शंस को या दी बेस्ट चीजों को उठाने का कोशिश किया है जो कि आपसे आते ही आते हैं क्वेश्चन। और यहाँ जनरली वो क्या करता है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो थोड़ा वोकैबुलरी हाई लेवल की डाल देता है जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट कि अगर आपको लगता है ना हिंदी में आपको डिफिकल्टी लगती है तो एक बार इंग्लिश वर्जन रीड कर लीजिए, अगर आपको लगता है इंग्लिश में दिक्कत है तो एक बार आप हिंदी को रीडिंग ले लीजिए। तो 4 जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ हमेशा कैसे क्वेश्चन आते हैं, विच इज नॉट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन या विच इज योर इफेक्टिव क्लास, मतलब या तो वो नोट के पॉइंट पूछता है या फिर वो उसके रिगार्डिंग कंसर्न है जो वो वाले पॉइंट आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन का पार्ट। इन्वायरमेंट बहुत ही वास्ट यूनिट है, काफी वाइड ये चला जाता है, तो इसके अंदर भी आपका 2 तरीके का पोर्शन है, वन इज योर स्टेटिक, ठीक है, अदर यो दूसरा आपका क्या आ जाता है, खुद का आपको करंट अफेयर बेस लगा लीजिए, या फिर आपको फैक्ट को या फिर डेफिनेशन अगर एक बार समझ लिया तो आप लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है SDG MDG, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ UGC नेट। ठीक है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये UGC नेट का और हर बार क्वेश्चन आता है एवरी शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये बाई चांस मेरे से लिखा गया है। पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है पोल्यूशन में ये पूछ लेगा कि पर्टिकुलर डिजीज आपका कौन से पोल्यूशन से होती है, इनमें वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, और इसका लेटेस्ट करंट डेटा आपसे जरूर पूछता है। ठीक है, ऑल एनर्जी के अंदर भी सोलर का कितना रहा है, ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, इस तरीके का डेटा आपसे पूछा जाता है। लेटेस्ट कोई स्कीम पे क्वेश्चन आ जाता है, और नेचुरल हैजार्ड और मिटिगेशन के ऊपर। तो इन्वायरमेंट के अंदर ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो एटलीस्ट आप लोगों को ये कवर करने चाहिए। इसके अलावा सॉल्व भी आ जाता है, ठीक है, अलग अलग आपके पास क्या आ जाते हैं, मतलब जो एक्सप्लोइटेशन किस तरीके से होता है, और ये लगा लीजिए एक्ट और प्रोटोकॉल है। ठीक है, हाँ जी, एक और टॉपिक लगा लीजिए यहाँ पे, एक्ट और प्रोटोकॉल। ठीक है,
एक्ट और प्रोटोकॉल भी इसी के अंदर आ जाता है। ये इसको आप एक टाइम के लिए स्किप भी कर सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो ये आपका एवरेज टॉपिक है, एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे एसडीजी एमडीजी पोल्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी और एक्ट प्रोटोकॉल जरूर करके जाएं, ये ऑप्शन। देन आता हायर एजुकेशन, अगेन ये वाइड यूनिट आ जाता है आपका, काफी बड़ा यूनिट है आपका। तो अभी लेटेस्ट ईयर्स की मैं बात करूं तो सबसे हॉट टॉपिक है या एवरग्रीन टॉपिक है एनईपी 2020, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके साथ साथ एंशियंट एजुकेशन और एंशियंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम जिसमें डिजिटल इनिशिएटिव भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट आ जाता है, आईसीटी में भी आता है डिजिटल इनिशिएटिव, यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा वैल्यू एजुकेशन को वो टच कर लेता है थोड़ा बहुत ही। ये 6-7 गिने चुने टॉपिक्स हैं आप लोगों के जो कि पूछे जाते हैं और रिपीटेडली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। काफी बार वो ऑप्शन को चेंज कर देता है, काफी बार वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग बढ़ा देता है, बट ओवरऑल घुमा फिरा के आपसे पूछता वही सारी चीजें है। टेक्निकल एजुकेशन, जैसे आपका कौन सा नैक है, नैक किसने स्थापित किया है, एनबीए किसने स्थापित किया है, इनके ईयर्स पूछ लेता है, तो ये हायर एजुकेशन का रहता है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपके 5 टॉपिक बनते हैं मेन मेन। सबसे पहले आपका आ जाता है टाइप ऑफ रिसर्च, मोस्ट मोस्ट लगा लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद आता है रिसर्च एथिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है रिसर्च एथिक्स। उसके बाद जो प्रायोरिटी अगर हम देंगे, देन हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं थीसिस राइटिंग में, जैसे आप लोगों से पूछ लेगा भी एमएलए स्टाइल से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, एपीए स्टाइल, ये अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल से क्वेश्चन बनते हैं और थीसिस के रिगार्डिंग आपसे पूछ लेता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी भी क्वालिटेटिव के लिए हम कौन सी एप्लीकेशन टूल्स का यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के लिए मेंडले सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज किया जाता है, एसपीडब्ल्यूएस कौन से डेटा के लिए करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट में इसका प्रायोरिटी रहता है गो थ्रू, जस्ट एक पैटर्न के तौर पर आपका रहता है रिसर्च मैथोडोलॉजी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी में आ जाता है सैम्पलिंग का। ठीक है, ये टॉपिक भी कभी भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, सैम्पलिंग और टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। देखो हालांकि इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू पिक किया है कि ये तो एटलीस्ट आप करके ही जाएं, पीवाईक्यू प्लस इनके कॉन्सेप्चुअल। अभी भी आपके पास 1 मंथ, अगर रेगुलर क्लासेस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये काफी इजी यूनिट पड़ जाता है और अच्छा स्कोरिंग यूनिट है, तो ये तो आप लोग अपने एनालिसिस के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, ऊपर ये 3 पार्ट्स। बाकी इवैल्यूएशन सिस्टम गिने चुने आपके सिस्टम इवैल्यूएशन का पार्ट है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है, टीचिंग एड्स के बारे में पूछ लेगा। तो ये यूनिट ऐसी है कि एक आध चीजों को छोड़ के, लर्निंग थ्योरी को छोड़ के, ठीक है, लर्निंग थ्योरी को छोड़ के बाकी टॉपिक ऐसा है आपका जो कि सिर्फ आप अपने एनालिसिस के बिहाफ पे, ऑप्शन एलिमिनेशन के बिहाफ पे इनको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपका इंडियन लॉजिक, जिसमें आपका इन्फेरेंस एंड हेतुभाषण मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। देन रीजनिंग के टाइप्स और स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट आ जाता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलसी आ जाता है। दीज आर द टॉपिक्स, मतलब 5-1 टॉपिक है, हर यूनिट से 5-4 टॉपिक हैं जो कि आते ही आते हैं, एवरग्रीन है और वहीं से घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। आईसीटी अगेन अ मार्क्स स्कोरिंग यूनिट, इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है फुल फॉर्म के ऊपर, जनरल एब्रीवेशन और टर्मिनोलॉजी के ऊपर। देन रैम और रोम, ठीक है, कौन मेमोरी लगा लीजिए पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, कौन सी स्टेटिक है कौन सी डायनेमिक है, ईप्रोम या फिर हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब कुछ आपका। लेटेस्ट ईयर्स में इन 3 टॉपिक्स पे काफी फोकस किया गया है, ईमेल रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड, कौन से मालवेयर्स होते हैं, वायरस की टाइप क्या है, अभी पीछे क्वेश्चन आता है हैकर के टाइप क्या है, ये मैंने ना अपने प्लेलिस्ट में मेरे जाके चेक कर लेना तो वहां पर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। सोशल मीडिया, ये भी मैं कवर करा चुकी हूँ, सोशल मीडिया जैसे कि आपका ट्विटर से क्वेश्चन बनते हैं, लिंक्डइन से बनते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने आईसीटी का इवन यूट्यूब पे कराया हुआ है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में डीआई के गिने चुने 3-4 टाइप्स हैं, टेबल बेस्ड डेटा आपको करना है, परसेंटेज रेशियो बेस्ड करना है, मिसिंग डेटा करना है और पाई चार्ट करना है। एक एक करके अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो गए, मैंने एक एक टाइप करवाया हुआ और बैक टू बैक अभी मैं मैराथन्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, अभी बैक टू बैक आपके लिए इन यूनिट्स पे मैराथन भी आने वाली है।
लास्ट आता है आपका रीजनिंग मैथ्स और आरसी। आरसी ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है आरसी का, बट ये होता है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर हैं, करंट इवेंट के ऊपर ये चीजें पूछी जाती है, और ये जस्ट और जस्ट आपका क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही कम टाइम में आप इसको कवर कर पाएंगे। देन आता है कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, अल्फाबेट क्वेश्चंस, एवरेज परसेंटेज। ये कुछ बेसिक से टॉपिक हैं कि अगर पूरा मैथ्स रीजनिंग नहीं करते तो एटलीस्ट ये पांच छह टॉपिक आप लोग जरूर करें। सो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव, और एटलीस्ट आप ये टॉपिक्स कवर करके जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आप उसी के साथ साथ आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से शुरू कर दिया है, नहीं कर दिया है, तो इस चीज़ पे आप लोगों ने जरूर फोकस करना है। एंड मेक श्योर आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब द सेम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ हमारा जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो चुका है। 22nd में से लाइव क्लासेस होंगी उसकी, तो आप क्रैश कोर्स में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ नोट्स हैं, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यू कैन अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।